हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अचिंता जरा। आज हम आपको शेयर करेंगे कुछ टिप्स, जैसे कि स्प्रे बोतल काफ़ी खूबसूरत है। ओके, स्प्रे बोतल का ऐसा है कि वाटर कलर पेंटिंग में हमें स्प्रे बोतल का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज अलग अलग पेपर के लिए, जहां हमें बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत है, जैसे बड़ा पेपर हो तो बड़े वाले साइज यूज करते, या अदरवाइज आप इस तरह से छोटे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आजकल स्प्रे बोतल मिलना बहुत इजी हो गया। पहले क्या होता था, हमें बहुत सारे अमेजोन से सर्च करना था, बहुत सारे स्टोर में जाके सर्च करके मिलता था, और ये कोरोना ने हमें स्प्रे बोतल काफ़ी सारे दे दिया। तो आप कहीं से भी ये छोटा सा स्प्रे बोतल आप परचेस कर सकते। तो इसका यूज क्या होता है कि पेंटिंग को वाटर कलर पेंटिंग क्या है, वो कलर क्या है, वो पानी में तैरना चाहिए, थोड़ा फ्लो चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। तो जितना वेट ऑन वेट में वाटर कलर पेंटिंग काम होता है, उतना सॉफ्टनेस रहता है, उतना पेंटिंग में एकदम मजा आता है। ठीक है, उस चीज को करने के लिए क्या होता है, हम कलर यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि हम कलर यूज करते समय पानी को ब्रश से ऐड नहीं कर सकते। तो उस समय क्या होता है, इस तरह से अगर स्प्रे बोतल काफी बारीक मतलब हवा जैसा वो जाके वहां पे अगर स्प्रेड होके वो पानी वहां पे ऐड हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता उस कलर को, उस एरिया में उसको वेट करने के लिए। ठीक है, तो गीला करने के लिए इस तरह से हम स्प्रे बोतल को ऊपर से यूज करते हैं। कई बार काम करते करते ड्राई हो गया हो तब भी, कई बार हम ड्रामा करते हैं कुछ लूज इफेक्ट देने के लिए, तब भी हम स्प्रे बोतल का यूज करते हैं। और इसी तरह से कई बार हम टेक्सचर किट करने के लिए भी स्प्रे बोतल का यूज करते हैं। तो छोटा सा मैं एक पेंटिंग शेयर करने जा रहा हूं, तो उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं किसी एक पेंटिंग में आपको इसका जो बिहेव है, इसका जो रोल है, आप नहीं समझ सकते। तो इसको समझने के लिए बहुत सारे पेंटिंग में बहुत तरीके से ये यूज होता है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भी एक इसे यूज करना शुरू करें, और कुछ कुछ जैसे क्लासेस के जरिए या इसे वीडियोस के जरिए देखें कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको बताऊंगा कि अभी मैं यूज क्यों कर रहा हूं और कब किया जाता है ये यूज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसे इसके साथ साथ काम करते हुए बात करेंगे और भी। ओके फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कंपोजिशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि जहां पे आप फ्लो कर पाए और फ्लो करना चाहते हैं। तो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है स्प्रे बोतल यूज करना है कि नहीं करना, ये भी है। और दूसरा है कि मुझे याद है कि मैंने भी किसी बड़े आर्टिस्ट को देखा, फिर मैंने जब शुरू में स्प्रे बोतल लिया तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। क्या हो रहा था कि वो मैं कुछ अच्छा बनाया, स्प्रे किया, वो खराब हो गया, स्प्रे करके मैं सोचा कुछ अच्छा होगा, खराब हो गया। तो उस समय वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट समय वही था कि यूज करने का। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप खराब नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आपके एक बार में हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको भी शुरू में बहुत खराब होने वाला है, तो उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे कितना वाटर देना है, कितना आपके पेपर वाटर लेने के लिए हिम्मत रखता है, तो ये सब बातें आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे आपको आर्ट मटेरियल्स के ऊपर बहुत सारे मैं लिस्ट जो मैं यूज करता हूँ, जो मुझे सही लगा, वो सब चीज मैं आपको वहां पे शेयर किया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपका वो क्या जो मटेरियल्स है लेना चाहिए क्या है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक सिंपल कंपोजिशन, दो चार कार बनाते हैं और कुछ इस तरह से। ओके, जस्ट मैं वो प्ले करना है जिसके वजह से आपको ये जस्ट दिखा रहा हूं।
तो ऐसे में अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा सूखा रह गया या कुछ गीला या कुछ आपको टेक्सचर देना है, तो भी आप स्प्रे करके उसे थोड़ा सा फ्लो कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। ऐसे में ऊपर से जैसे हमने बहुत सारे वाटर यूज़ किया, अगर नहीं हो पाए तो भी आप इस तरह से स्प्रे करके आप उसे फ्लो देख सकते हैं। मान लीजिए कि कलर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप उसको भी हल्का करना, तभी आप स्प्रे करके उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे तुरंत मैं ड्राई कर लेता हूँ, क्योंकि हम पेपर को बिल्कुल पहले जैसा ड्राई करना ही है। तो यहाँ पे स्प्रे को कैसे हम यूज कर सकते हैं? इससे क्या होगा, वो जो दूर वाला जो असर है ना, वो आसमान के साथ देखो कहीं कहीं भी मर्ज हो गया, तो वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ड्रामा सा हो सकता है। तो इस समय काम आता है ये, तो आप खुद भी इसे एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो भी मैं मेटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश वगैरह, इसका सब मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, और आपको वो रिव्यू लिंक भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि जो भी आर्ट मटेरियल्स मैं यूज़ करता हूँ और मैं कभी किया हूँ, अच्छा है, जो आपको ज़रूरत है वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर किया, तो उसे आप ज़रूर देखें।
तो जैसा स्प्रे किया था बहुत सारे गीला है वहाँ पे, इस कंडीशन में हम दूर भी बहुत अच्छा काम कर पा रहे। तो ये काफ़ी फास्ट में कर रहा हूँ, आप आराम से और ज़्यादा इसको सोचे और ज़्यादा इसे अच्छी तरह आप काम निकल सकते हैं। ब्रश को गीला करके जो शहर में जो ट्राम लाइन सा है उसका भी हम और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बिगनर्स जो है यहाँ पे जाके बहुत गलती करते हैं, जैसे ये वो वायर वगैरह बनाना है तो काफ़ी मोटा दे देते हैं, तो कोशिश करना है बिल्कुल पतला होना चाहिए। क्योंकि पूरा पर्सपेक्टिव खराब कर देता है आपके वो।
तो ये था आज का छोटा सा डेमो, और किस तरह से स्प्रे बोतल यूज किया जा सकता है वो आपने देखा है। इसको एक दो बार और आप प्ले करके देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्प्रे बोतल का किस तरह से यूज करना है। तो ये मैं जरूर कहूंगा आपको, जब भी आप फर्स्ट बार यूज करेंगे आपकी पेंटिंग बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि आपको धीरे धीरे उसका मालूम चलेगा कि कितना यूज करना है, क्या है, और तभी वो हो सकता है। ठीक है, तो स्प्रे बोतल बहुत ही काम का है वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए, तो इसे जरूर रखना है और उसको आप प्रैक्टिस भी करना है और इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी करना है कि इतना स्प्रे किया तो कितना फ्लो हुआ, ये सब चीजें। तो चलिए फिर मिलेंगे नया प्रोडक्ट के साथ, नया कुछ टिप्स के साथ आपको शेयर करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स आर्टिस्ट जुड़ा हुआ है इस चैनल से, जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह से अच्छे अच्छे टिप्स और अच्छे अच्छे इस तरह से टेक्निक्स को लेके आऊंगा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।